कोडरमा। इस गांव में एक भी मुस्लिम समुदाय का लोग नहीं रहता, बावजूद इसके पूरे धूमधाम से मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत तेलोडीही के ग्रामीणों ने, जहाँ एक भी घर मुस्लिम समुदाय का नहीं, बावजूद इसके आज करीब सैकड़ों वर्ष पूर्व से हिंदू धर्म को मानने वाले पूरे ग्रामीणों ने मिलकर पूरे विधि विधान के साथ मौलाना को बुलाकर ताजिया का निर्माण कराया और मुहर्रम त्योहार मनाते आ रहे हैं। वहीं इस वर्ष भी पूरे धूमधाम के साथ ताजिया का निर्माण कराकर लोगों ने पूरे गाजे बाजे के साथ ताजिया को घर घर घुमाया। इस दौरान प्रत्येक घर की हिंदू महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने ताजिया को रोककर पूजा अर्चना की, जहां जगह जगह गांव के नौजवानों ने लाठी भाला तलवार भांजकर अखाड़ा जमाने का कार्य किया। इस दौरान हर वर्ष की भांति गांव के महादेव साव, रामप्रसाद साव, कामेश्वर साव, क्षेत्रधारी साव ने ताजिया जुलूस में शामिल सैकड़ों लोगों को मिठाई खिलाकर दही और गुड़ का शरबत पिलाया। वहीं समाज सेवी दारोगी सिंह ने कहा, मेरे गांव में एक भी मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहने के बावजूद ताजिया लगाकर पूरे नियम संगत मुहर्रम मनाते हैं, ताकि यहां हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। पूरे देश में ये खबर सुनकर लोगों में एक सबक मिले, लोग एकता अखंडता की मिसाल कायम करें। वहीं इस दौरान मुखिया टिपन पांसी, दारोगी सिंह, अशोक राणा, शिवशंकर साव, गणेश महतो, रामप्रसाद साव समेत सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग ये गांव जो तेलोडी है, पूरा हिंदू का गांव है, लेकिन बरसों पहले जो हम लोग को आज तक जानकारी नहीं कि कब से इस गांव में ताजिया लगाया जाता है, और यहां हिंदू के गांव में पहले मुस्लिम भाई स्थान था, वो छोड़ के इस गांव चले गए, और तब से हम लोग पूरे हिंदू समाज ताजिया समारोह का त्यौहार मनाते हैं, और हम लोग मुस्लिम के यहाँ ताजिया मिलन करते हैं, और सब हिंदू भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मुस्लिम है और कौन हिंदू है, और हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। गांव में ताजिया कितना दिनों से लगाया जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण? मेरे गांव में बरसों पहले कोई मुस्लिम भाई यहाँ रहते थे, किसी कारणवश वो छोड़ के चले गए ग्राम तेलोडी से। उसके बाद मेरे गाँव के मेरे पूर्वज पूरे ग्रामीण एक साथ बैठ के कुछ निर्णय लिया गया। उसके बाद से मेरे गांव में धूमधाम से मुहर्रम ताजिया पर्व मनाया जाता है और पूरे गांव भ्रमण किया जाता है। साथ शाम को करबला मैदान में ले जा के ताजिया मिलन समारोह करके फिर वापस हम लोग सब गांव में आते हैं। लगभग कितना दिन से ताजिया उठाया जा रहा है? 1911 ईस्वी से लगभग, जैसा जानकारी मिल रहा है, 1911 ईस्वी से हम मेरे गाँव में ताजिया पर्व महा धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग ताजिया मनाते आ रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम का जो एकता है वो हमारा कायम रहे, और जो हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमारे यहाँ भी आज समाज धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हम लोग किसी भी यहाँ के हिंदू कोई भी मतलब धर्म से हम लोग विरोध नहीं करते हैं और भाईचारगी के साथ रहते हैं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म रहे चाहे मुस्लिम धर्म रहे चाहे सिख धर्म रहे चाहे ईसाई रहे, सभी धर्मों का यहाँ के लोग मैंने समान अधिकार और समान मान सम्मान देता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का एकता कायम रहे, हर देश और समाज का एकता अखंडता कायम रहे, इसी आस्था के साथ हम लोग ताजिया या मुहर्रम या कोई भी त्यौहार हो हम लोग मनाते आ रहे हैं। लगभग वर्षों पूर्व हमारे दादा परदादा मनाते आ रहे हैं और हम लोग भी मना रहे हैं, और किसी तरह से मैंने हम लोग जब करबला जाते हैं तो हम मुस्लिम समुदाय भाई से हम लोग मिलते जुलते हैं, किसी तरह से आज तक शिकवा शिकायत नहीं मिला है, और हम लोग पूरे भाईचारगी के साथ एक साथ सौहार्द प्रेम के साथ अपना फिर घर वापस आते हैं, गादी का समाज हो या तेलोड़ी का समाज हो। ताजिया बहुत पहले से हमारे पूर्वजों ने मतलब बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, वही परंपरा को लेकर हम लोग आज भी मना रहे हैं और मनाते ही रहेंगे, और पूरे गांव हिंदू का गांव है, फिर भी हम लोग मुस्लिम का जो त्यौहार है उसको अभी तक मान करके ही हम लोग अभी तक
मनाते ही आ रहे हैं और मनाएंगे। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।